हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। यूपी में गले की फांस बनी नई पेंशन, शासन का नया फरमान, बगैर नई पेंशन के नहीं मिलेगा वेतन। यूपी में बेरोजगारी दर घटकर अब 0.02% रह गई। योगी, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति पर एक माह में आदेश पारित करें कोर्ट। सरकारी स्कूल में शिक्षक ने छात्र को पहली मंजिल से फेंका, अनुबंधित कर्मचारियों को सीधे नियमित नहीं कर सकते कैट। बीईओ को महीना देकर स्कूल नहीं जा रहे शिक्षक, शिक्षकों व शिक्षा मित्रों ने महानिदेशक को भेजा शिकायती पत्र, लगाया वसूली का आरोप। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ईहब यूट्यूब चैनल पर। यूपी में गले की फांस बनी नई पेंशन, शासन का नया फरमान, बगैर नई पेंशन के नहीं मिलेगा वेतन। प्रतापगढ़, पुरानी पेंशन की आस में नई पेंशन को ठुकराने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए अब एनपीएस गले की हड्डी बन गई है। शासन का नया फरमान आया है कि जिन शिक्षकों और कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के लिए प्राण आवंटित नहीं हुआ है, उन्हें अब वेतन नहीं मिलेगा। इससे शिक्षकों और कर्मचारियों में काफ़ी रोष व्याप्त है। जिले में 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए नई पेंशन योजना लागू की गई है। पूर्व में इस योजना को ऐच्छिक करार दिया गया था। इससे अधिकांश शिक्षकों और कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना को ठुकरा दिया था। अधिकांश कर्मचारियों को यह उम्मीद थी कि अन्य प्रांतों में पुरानी पेंशन बहाल हो गई है। जिले के भी कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें आशा है कि एक दिन सरकार अपने फैसले पर झुकेगी और पुरानी पेंशन बहाल होगी। जिले में 18,472 कर्मचारियों में 4,042 शिक्षक कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नई पेंशन को स्वीकार नहीं किया है। मगर अपर मुख्य सचिव प्रशांत त्रिवेदी ने 16 दिसंबर को जारी पत्र में स्पष्ट कहा है कि जिन शिक्षकों और कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के तहत प्राण आवंटित न किया गया हो, ऐसे लोगों को वेतन भुगतान न किया जाए। शासन के नए आदेश ने पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष करने वाले शिक्षक व कर्मचारियों की परेशानी बढ़ गई है। वेतन रोकने का आदेश आने के बाद आक्रोशित शिक्षकों ने विरोध का स्वर तेज करने को कहा है। जिले के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए शासन से नया पत्र आया है, जिसमें कहा गया है कि नई पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों को वेतन का भुगतान न किया जाए। रमेश सिंह, वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग। नई पेंशन योजना को पूर्व में ही ऐच्छिक बताया गया था। विभागीय अफसरों के साथ ही विधानसभा में हुए सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने नई पेंशन को शिक्षकों और कर्मचारियों की इच्छा पर छोड़ दिया था। नई पेंशन के लिए किसी पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। इससे अधिकांश शिक्षकों और कर्मचारियों ने नई पेंशन को लेने से हाथ खड़ा कर दिया था। विनय सिंह, जिला मंत्री, प्राथमिक शिक्षक संघ। यूपी में बेरोजगारी दर घटकर अब 2% रह गई। योगी, बेरोजगारी दर 2% रह गई। पाँच साल में सरकारी नौकरियां, 1.6 करोड़ युवाओं को मिला रोजगार। इस 2% बेरोजगारी में डीएलएड वाले रह गए, बाकी सबको रोजगार मिल गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां मानती हैं कि यूपी में बेरोजगारी 19% घटकर लगभग 2% रह गई। पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश सरकार ने निष्पक्षता व पारदर्शी में आड़े आने वाले सभी बैरियर हटाए, जिससे हर प्रतिभाशाली युवा को नौकरी मिल सके। वह रविवार को राजकीय माध्यमिक विद्यालय के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 1395 प्रवक्ताओं व सहायक अध्यापकों को लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले भर्तियों में भेदभाव होता था। वर्ष 2017 के पहले हुई भर्तियों में इस तरह भ्रष्टाचार होता था कि भर्ती निकलते ही महाभारत के सभी रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। 4.5 वर्षों में सरकार ने अपराध व अपराधियों के साथ ही भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, जिससे युवाओं को अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार नौकरी हासिल हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4.5 वर्षों में बेसिक शिक्षा परिषद में 1.26 लाख और माध्यमिक शिक्षा में शासकीय व सहायता प्राप्त कॉलेजों में 40,000 से अधिक निष्पक्ष नियुक्तियां हुई। उच्च शिक्षा, पुलिस समेत अन्य भर्तियां अलग हैं। संस्कृत विद्यालयों में तत्कालिक रूप से मानदेय पर शिक्षकों की भर्ती कराई गई है। साथ ही चयन की प्रक्रिया भी चलाने को कहा गया है। भर्ती की अपारदर्शिता प्रक्रिया आपको जीवन व कार्य पद्धति में ईमानदारी के लिए प्रेरित करेगी। आपकी कार्य पद्धति में भी निष्पक्षता झलकनी चाहिए। प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी एलनगंज प्रयागराज को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित शॉर्टलिस्टेड याचियों को शिक्षा मित्र का 25 अंक देकर उनकी नियुक्ति पर एक माह में नियमानुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने अर्चना पटेल व अन्य की याचिका निस्तारित करते हुए दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, 25 अंक देकर नियुक्ति देने की मांग की है याचियों ने।
याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता एम एस सिद्दीकी ने बहस की, बताया कि याची सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित है। दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ज्वाइन नहीं किए जाने से खाली पदों पर नीति के अनुसार शिक्षा मित्रों को अनुभव अंक देकर चयन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। याचियों को शॉर्टलिस्टेड किया गया। अपर मुख्य सचिव ने 17 मई 2021 को महानिदेशक बेसिक शिक्षा को भर्ती पूरी करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद याचियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। कोर्ट ने याचियों को 10 दिन में सचिव को प्रत्यावेदन देने और सचिव को नियमानुसार आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। सरकारी स्कूल में शिक्षक ने छात्र को पहली मंजिल से फेंका, मौत। बेंगलुरु एजेसी कर्नाटक के गडक जिले के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक द्वारा छात्र की पिटाई करके पहली मंजिल से नीचे फेंकने का मामला सामने आया है। नारगुंड तालुक इलाके के हदली गांव में हुई इस घटना में छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के दौरान जब उसकी मां ने शिक्षक को रोकने का प्रयास किया तो आरोपी शिक्षक ने फावड़े से उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधीक्षक सुप्रकाश देवराजू ने बताया कि छात्र चौथी कक्षा में पढ़ता था, जबकि उसकी माँ भी स्कूल में शिक्षिका है। सोमवार को स्कूल का शिक्षक मुथप्पा छात्र को पिटने लगा। पिटते पिटते अचानक उसने छात्र स्कूल की पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस दौरान बीच बचाव करने आई छात्र की मां और एक अन्य शिक्षक शिवानंद पाटिल पर आरोपी शिक्षक ने फावड़े से हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनुबंधित कर्मचारियों को सीधे नियमित नहीं कर सकते कैट। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट ने एक फैसले में कहा कि अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों को सीधे नियमित नहीं किया जा सकता। उन्हें इसके लिए अन्य आवेदकों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। इसी के साथ कैट ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 10 वर्ष से अधिक समय से अनुबंध पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों की नियमित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस रंजीत वी मोरे और सदस्य मोहम्मद जमशेद की पीठ ने यह फैसला दिया है। क्या है मामला? नियुक्ति 2009 में 3 माह के अनुबंध पर हुई थी। अस्पताल प्रशासन 10 वर्ष तक इससे बढ़ाता रहा। नियमित नियुक्ति के लिए 2019 में विज्ञापन निकला। 2022 में नियमित नियुक्ति के बाद अनुबंध पर कार्यरत 151 नर्सों को हटा दिया गया। इसके बाद इनमें से 42 लोग नियमित करने की मांग नौकरी से हटाने के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए। बीईओ को महीना देकर स्कूल नहीं जा रहे शिक्षक, शिक्षा मित्रों ने महानिदेशक को भेजा शिकायती पत्र, लगाया वसूली का आरोप। बरेली बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कुछ खंड शिक्षा अधिकारियों पर लगातार वसूली करने का आरोप लग रहे हैं। अब मझगांव ब्लॉक के शिक्षकों और शिक्षा मित्रों ने खंड शिक्षा अधिकारी पर वसूली का आरोप लगाते हुए स्कूल शिक्षा महानिदेशक को शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि ब्लॉक के करीब दर्जन भर स्कूल शिक्षक न जाने के बदले में बीईओ को हर महीने मोटी रकम देते हैं। शिक्षकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो शिक्षक उन्हें महीना नहीं देते हैं उनसे कंपोजिट ग्रांट, प्रसूति अवकाश, सीसीएल और अनुपस्थिति के नाम पर जमकर वसूली की जाती है। ऑनलाइन निरीक्षण में शिक्षा मित्रों अनिर्देशकों की अनुपस्थिति दिखाकर उनका मानदेय रोका जाता है, उसके बदले में वसूली की जाती है। उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के मंडल अध्यक्ष विनोद शर्मा का कहना है कि संगठन की ब्लॉक इकाई से शिकायत प्राप्त हुई है, जिसे जिला विशेष शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में कार्रवाई के लिए भेजा गया है। सभी शिक्षकों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। जिन ब्लॉकों में बीईओ ने इस तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं वे सुधार कर लें, अन्यथा की स्थिति में संगठन उनका पुरजोर विरोध करेगा। महानिदेशक को शिकायत भेजी जाएगी। स्कूलों को बनाया निशाना। शिक्षकों व शिक्षा मित्रों ने जो शिकायत पत्र महानिदेशक को भेजा है उसमें ब्लॉक के गौटिया, डालचन, लभारो, सुपुरी, फुलासी, बझेड़ा, नौगवा, ब्रह्मानंद कंपोजिट विद्यालय, सतारनगर आदि स्कूलों के नाम शामिल हैं। आरोप लगाया कि इन विद्यालयों के कुछ शिक्षक व प्रधानाध्यापक स्कूल न जाने के बदले में बीईओ को हर माह पैसा पहुंचाते हैं। सभी आरोप निराधार हैं। राजनीति साजिश के तहत इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ब्लॉक में कभी भी आकर चेकिंग हो जाए उससे सारी स्थिति साफ हो जाएगी। दिलीप कुमार, बीईओ मझगांव। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।